हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साइट पे जब भी कोई ट्रक या फिर हाईवा या फिर कोई डंपर आता है तो उसमें सैंड या एग्रीगेट हमको मेज़र करना रहता है कि उसमें सैंड और एग्रीगेट कितना आया। तो उस गाड़ी को मतलब उस ट्रक या हाईवे को हम कैसे मेज़र करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले साइट पे ट्रक कैसा आता है, मैक्सिमम केस में हमारे जो ट्रक रहते हैं डंपर के वो कुछ इस तरह रहते हैं, ठीक है। यहाँ से साइड से टेपर रहता है, कुछ के पीछे से भी टेपर रहते हैं, कुछ की हाइट डिफरेंस रहती है। तो इस तरह के ट्रक आते हैं, किसी की साइज ऐसी रहती है, किसी के ऐसे भी रहते हैं। इन सब ट्रकों का हम मेज़र कैसे करेंगे कि इसमें कितनी सैंड या एग्रीगेट या फिर सॉइल कुछ भी है, मतलब जो भी हमारा मटेरियल है वो कितना आया। तो मैक्सिमम केस में हमको सैंड और एग्रीगेट जब मेज़र करना रहता है तो वहाँ का जो फोरमैन होता है या जो फ्रेशर लड़के होते हैं तो उनको कभी कभी बोल दिया जाता है कि आपको ट्रक मेज़र कर कर आएगी या फिर एक लेबर के साथ वो जाकर चेक करिए कि उसमें कितनी क्वांटिटी सैंड आई। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, LBH, ठीक है, लेंथ विथ और हाइट। अब यहाँ हम ट्रक के अगर लेंथ देखेंगे तो लेंथ यहाँ पर देखिए तो लेंथ आ रही है, बॉटम की लेंथ अलग आ रही है, ठीक है, टॉप की लेंथ अलग आ रही है, मतलब कोई एक लेंथ नहीं है। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि हम लेंथ को लिख लेंगे, जो भी लेंथ आ रही है हमारी, यहाँ पर हमारी दो लेंथ आ रही है तो L1 हम लिख लेंगे 5.5, 4.5, ठीक है। तो हमने अपना लेंथ लिख लिया, अब हमको निकालनी इसकी विथ निकालनी है। तो विथ के केस में हमने क्या किया, विथ भी इसका हमने मेजर किया तो 1.5 विथ आई, ठीक है, विड्थ को भी लिख लिया। अब हमारे पास क्या आया, एक हाइट। अब हाइट कैसे मेज़र करते हैं, देखिए सैंड जो होता है, जैसे आप ये मेटल का बार जो देख रहे हैं, मतलब मेटल का सपोर्टिंग की वॉल जो भी बोलेंगे आप, इसको देखेंगे तो इससे थोड़ा सा ऊंचा है। तो आप क्या करते हैं, सैंड के केस में हम एक बार लेते हैं, स्टील बार जो हमारे साइड पर जनरली रहती है। अगर कुछ केस में हम क्या करते हैं कि हम तीन चार जगह हाइट लेंगे, ठीक है, जैसे हमने लेंथ अभी क्या लिया, लेंथ हमने दो ली L1 और B2, ठीक है, इसी तरह हाइट हम दो तीन लेंगे। एक हाइट हमने यहाँ मेज़र कर ली, एक सेंटर में कर ली, एक यहाँ किनारे कर ली। कुछ के डंपर बॉटम से क्या रहते हैं, ऐसा हमको बाहर से नहीं दिखता है लेकिन ऐसे हल्के से उठे रहते हैं। तीन जगह हाइट ले लेंगे, फिर इसका कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, जैसे हमारे पास आई क्या दो लेंथ आई, लेंथ आया उसका एवरेज ले लेंगे। तो लेंथ हमने दो लिया तो इसको दो से डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। इसमें हम विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हाइट हाइट जैसे हमने तीन आ रही है तो 1.7 ना लेकर इसको हम करेंगे 1.7 प्लस जो भी हमारे यहाँ का जो भी आ रहा है 1.5, 1.6, इस तीन का एवरेज लेके इन तीनों से डिवाइड करके हम हाइट का एवरेज ले लेंगे और वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगी, क्यूबिक मीटर में आ जाएगा इस ट्रक की वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पूरे मेजरमेंट, जैसे मैंने पूरे मेजरमेंट किस में लिया, मीटर में लिया, तो हमारा मेरा जो आंसर आया वो क्यूबिक मीटर में आया। अगर आप फिट में लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो वो CFT मतलब क्यूबिक फिट आएगा। जस्ट यही दो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, क्यूबिक मीटर या तो क्यूबिक फिट। इसी तरह इस हाईवा की बात देखिए तो इस हाईवा में पीछे से टैपर है लेकिन फिर भी इसमें क्या हो रहा है, लेंथ हमारी दो ही आ रही है, ठीक है, एक आ रही है लेंथ हमारी L1 है, L1 आ रही है 6 और L2 आ रही है 5.5, ठीक है। अब इसकी हाइट विड्थ आ रही है, हाइट आ रही है 2 और विड्थ आ रही है 1.7, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। और जो भी हम मेजरमेंट लेंगे वो हम अंदर से लेंगे, बाहर से बाहर नहीं नापेंगे कि हमने ये टेप इस आउटर एज से पकड़ा और ये और उसके आउटर एज से नाप लिया, ये नहीं करेंगे। हम इनर साइज का लेंगे, विड्थ और लेंथ भी हम अंदर से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, बाहर से हम कुछ भी मेजर नहीं करेंगे, फिर मेजर करेंगे। तो इस तरह आप इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे, पूरा इस ट्रक का भी निकाल सकते हैं कितना क्यूबिक मीटर सैंड या एग्रीगेट आया। ये सिंपल सा कैलकुलेशन करके आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो साइड पर जो ट्रक या डंपर आया उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है, सुझाव है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।